बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार चार चोर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिनके पास से 4.5 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद हुआ है। दरअसल भिकनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे लेकर थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे के निर्देशन में एक टीम गठित की और चार आरोपियों को धर दबोचा है। इस दौरान पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। बहरहाल खरगोन पुलिस ने गिरफ्त में आए चार आरोपियों से 4.5 लाख की चोरी का सामान बरामद करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये कुछ दिनों से बदमाश थाना क्षेत्र में वारदात की है, जिसमें बिरुल में मंदिर में चोरी की है और कांजर में स्कूल में चोरी की है। तो मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी साहब और थाने की टीम द्वारा हंडी कुंडी से ये माल बरामद किया है। आसपास के थाना गोगावा आयुर्खेड़ा चौकी क्षेत्र की भी वारदातें ट्रेस हुई है और आरोपियों को, ये चार आरोपी है, नंबर एक हंडी कुंडी का देवेंद्र है, दूसरा मुकेश है और तीसरा नहार सिंह है और चौथा रोहित है। इनसे, इनके घरों से माल बरामद किया है और पुलिस ने ये सराहनीय काम किया है। इनकी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इनको प्रोत्साहित किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सर, आरोपी ने कितनी जगह की चोरी कबूल करने की है? ये एक आंदर में मिर्ची चोरी की वो है और मोबाइल चोरी है और चार पांच वारदातें इन्होंने कबूल करी है। इसमें मोटरसाइकिल भी दिख रही हैं पूरे उसमें। ये मोटरसाइकिलों से ये चोरी करने के लिए जाते थे वो है। अब इनसे क्या कोर्ट से रिमांड मिली जाएगी? इनका रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।